बहुत ही अच्छा वर्कशॉप है एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी फॉर पूजा बेदी जिन्होंने इतना एक बहुत बड़ा एंडेवर किया है एंड आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि हम सब भूल चुके हैं कि हम खुश कैसे रह सकते हैं. हमारी दुनिया अभी एक दुनिया बनी है जहाँ पे आपको अपने अचीवमेंट्स के तौर पे आपको जज किया जाता है, आपकी एक वैल्यू होती है अपॉन हाउ मच यू हैव अचीव्ड. तो दैट इज़ हाउ यू नो यू आर व्यूड एंड यू आर सीन. लेकिन हम भूल जाते हैं कि वी ऑल्सो नीड टू बी हैप्पी पीपल एंड सबसे ज़्यादा अपनी खुशी और अपनी अपना हैप्पीनेस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट एंड हाउ यू कैन रीकनेक्ट टू दैट. ये हर किसी के लिए इम्पॉर्टेंट है, जो टीनेजर्स हैं, जो यंग अडल्ट्स हैं, जो काम कर रहे हैं हाई स्ट्रेस जॉब्स में, हर किसी के लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एज आई सेड प्रेशर बहुत ज़्यादा है. या तो आपको पढ़ाई में अव्वल नंबर मिलने चाहिए, उसके बाद आपको अच्छी नौकरी मिलनी चाहिए, उसके बाद आपकी करियर अच्छी होनी चाहिए. तो हम एक अचीवमेंट बेस्ड सोसाइटी बन रहे हैं कि आपने क्या अचीव किया है और उसके ऊपर आपको एक आपका सॉरी वैल्यू या तो बढ़ता है या तो गिरता है. और फिर हम अपने आप को खुद अपने वो नज़रिया से देखना शुरू करते हैं और हम भूलते हैं कि जो अंदर आत्मा है, जो एक खुश आत्मा है, वो हम उसकी आवाज़ सुनना भूल जाते हैं. और ये कोर्स वो है जो आपको अपने अंदर के बच्चे, अंदर की आत्मा को वापस उसको सुनने का एक तौर तरीके सिखा रहे हैं. जी मुझे लगता है कि मेरी एक प्रोजेक्ट शुरू होने वाली है, लेकिन जब तक वो शुरू ना होए मैं उससे बात करने के लिए थोड़ा हिचकिचा रही हूँ. तो जब वो शुरू हो जाएगी तो मैं ज़रूर आपको बता दूँगी. देखिए हमारे पूरे पूरे देश की शुभकामनाएँ उनके लिए हैं. मैं ये कहना चाहूँगी कि जो उन्होंने हमारे लिए किया एज ए नेशन, उन्होंने हमें हिंदुस्तानी होने का इतना गर्व बनाया है. हिंदुस्तानी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे एक हिंदुस्तानी का उन्होंने नाम रोशन किया है और हमारा प्राइड जो है, हमारा सेल्फ इस्टीम जो है पूरे देश का एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे उन्होंने उठाया है हमारे लिए. दो औरतों ने, तीन औरतों ने एक्चुअली, तीन एथलीट्स ने ये किया है कमाल, जहाँ पे हम एज अ पीपल आर फीलिंग हाँ हो सकता है, हम भी कर सकते हैं, इंटरनेशनली हमारी भी एक इज्जत है. उन्होंने ये हमें दिया है. सिर्फ बॉलीवुड की नहीं, मैं ये कहना चाहूँगी कि जहाँ पे भी आप हो, आप जो भी फील्ड में हो, आपको इट शुड बी इंस्पायरिंग फॉर एवरीवन. ये नहीं कि सिर्फ मैं बॉलीवुड में हूँ तो ओनली दैट इज़ इंस्पायरिंग. नो, यस्टरडे एंड द पास्ट वीक हैज़ प्रूवन दैट वुमेन हु हैव वर्कड हार्ड एंड हु हैव मेड अ लॉट ऑफ सैक्रीफाइसेस इन देयर लाइफ, दे आर you know shining stars and that's it's what it should be. The focus should not shift from that, you know, it should not shift from that. And you know, you should celebrate achievements in every sort of field because that's what we need. Thank you. वक्त हमारे साथ पूजा जी जुड़ चुके हैं. थैंक यू मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए. आज आपने एक नया इनिशिएटिव लिया है इसके बारे में कुछ बताइए. हैप्पी सोल जो है मेरा एक पेट प्रोजेक्ट है जो कि मैं 10 साल से इस पर काम कर रही हूँ. अलग अलग मोडालिटीज़ को मैंने सीखी हैं, हिप्नोसिस, NLP, रेकी, मैग्नीफाइड हीलिंग, सोल टेम्पल, करुणा रेकी, उसुई रेकी, हील योर लाइफ, अलग अलग मोडालिटीज़ की है, रिसर्च की है, कोर्सेज की है. मुझे, मैं जो हूँ हमेशा खुश रहती हूँ. लोग हमेशा मुझे देख के कहते हैं पूजा आपकी लाइफ में जितने कठिनाइयाँ आते हैं, जितने उलझन आते हैं, जितने समस्याएं आते हैं, आप उसको बस पार करके करके आप अपने लाइफ को सक्सेस से सक्सेस कैसे लेते हो. हमेशा आपने हमेशा आपको ट्रांसफॉर्म किया है फ्रॉम हियर टू देयर टू मैरिज टू अनदर इनिंग्स, करियर स्टार्टेड वापस, ये वो, यू नो, यू अर्निंग, यू सक्सेसफुल, आप सिंगल पेरेंट हो, आप यू नो, आप अपनी लाइफ को इतनी ईजिली ट्रांसफॉर्म कैसे करते हो, इतनी खुश कैसे रह सकते हो. क्योंकि हालांकि जो कुछ हो सकता है एक इंसान के साथ में आपसे हुआ है, लेकिन फिर भी आप हमेशा अप एंड अबाउट पॉजिटिव रहती हैं. तो मैंने कहा हाँ, एक मेथड है, एक तरीका है, एक साइंस है. तो मैंने कहा कि मैं देखना चाहती हूँ कि ये साइंस जो कि मैंने सीखी है, जो कि एक ब्लेंड है, मैं कहती हूँ मैंने विज्ञान और स्पिरिचुअलिटी जो है उसका शादी किया है ये कोर्स को, उसका कोर्स जीवित करने के लिए, हैप्पी सोल प्रोड्यूस करने के लिए. बिकॉज इट इज़ अबाउट लेटिंग पीपल नो कि अगर आप खुश होना चाहते हैं
तो वो एक साइंस है. ये नहीं कि बस अगर किसी ने जोक बोला है तो मैं हंसूंगा तो बस एक मिनट एक पल की खुशी मिली, या जब मुझे ये घर मिलेगा तब मुझे खुशी होगी, या जब मैं शादी करूंगी तब मैं खुश हो जाऊंगी. नहीं, जब तक नहीं चलेगा. या तो आप खुश हैं या आप खुश नहीं हैं. क्योंकि अगर आप कहें कि ये गाड़ी मुझे खुशी देगी, तो अगर किसी ने गाड़ी को ले लिया तो खुशी चली गई. तो खुशी इज़ नॉट समथिंग यू कैन गिव एंड टेक सो इजिली. इट इज़ इनसाइड यू. सो हाउ टू बी हैप्पी इनसाइड यू. कि आपके पास घर हो घर ना हो, बंगला हो बंगला ना हो, बड़ी गाड़ी हो छोटी गाड़ी हो, ऑटो रिक्शा हो, इट डजंट मैटर. आप खुश कैसे रह सकते हैं एवरी डे ऑफ योर लाइफ. कि जब से आपकी आंख खुलती है क्या आप उठ के कहते हो ओ बाप रे एक नया दिन, या आप कहते हो वाओ ए न्यू डे अब क्या करें इस दिन के साथ. तो एटीट्यूड जो है ना उसमें बदलाव कैसा लाना, वो ये कोर्स आपको सिखाता है. ये आइडिया इतना अच्छा आइडिया आपको कहाँ से आया? ये आइडिया मुझे आशा है, जबकि मैं कलम लिखती हूँ तो कलम के द्वारा बहुत सारे लोग जो मेरे कलम को पढ़ते हैं वो हमेशा आके मुझसे कहते हैं कि पूजा आपके सोच विचार इतने अलग है कि जब मैं अप्लाई करती हूँ अपनी लाइफ से तो मेरा लाइफ बदल गया या मेरी लाइफ बदल गई. इतने सारे लोग, मैं जहाँ भी जाती हूँ, एयरपोर्ट पर जाती हूँ, मॉल पर जाती हूँ, बैंक्स में जाती हूँ, जहाँ भी जाओ लोग आते ही रहते हैं एंड पूजा योर कॉलम योर कॉलम योर कॉलम योर कॉलम, मैंने ये पढ़ा ये बदल दिया. मैंने सोचा कि बस छोटी सी सोच विचार जब मैं प्रकट करती हूँ कुछ लिख देती हूँ और लोगों की जिंदगियाँ बदल रही हैं, तो अगर मैं एक पूरा कोर्स करूँ और इतने सारे लोगों की लाइव्स बदल सकती है और जितने लाइव्स जितने खुशियाँ मैं पैदा करूँ उनकी ज़िंदगी में, ऑटोमेटिकली इतने सारे खुशियाँ पैदा हो जाएंगे उनकी फैमिली लाइफ में. और जैसे कि मैं कहती हूँ अगर आप एक पत्थर को तालाब में फेंको तो पत्थर फेंक दिया तो वो रिपल्स आ जाते हैं, लहरें आ जाते हैं, राइट. वैसे ही हम एक एक खुशियाँ का पत्थर फेंकते हैं आपके दिमाग के अंदर ताकि वो लहरें जो है खुशियाँ की लहरें जो आते हैं वो आपके अंदर भी आए, आपके फैमिली लाइफ में आए, समाज में आए, वगैरह वगैरह. मैम अगर जो लोग आपके इवेंट से जुड़ना चाहते हैं तो कैसे जुड़े? देखिए एक्चुअली हमारा हम ऑल अराउंड इंडिया जाने वाले हैं और बॉम्बे में हमारे बहुत सारे वर्कशॉप्स होने वाले हैं. आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं, happysoul.club पे जा सकते हैं और आप देख सकते हैं कि अगले कोर्सेस कब आ रहे हैं. आप शायद न्यूज़पेपर्स में पढ़ सकते हैं, शायद वहाँ भी एडवर्टाइजिंग हो जाएगी, लेकिन वेबसाइट इज़ द बेस्ट प्लेस क्योंकि वहाँ पर हमारी पूरी जानकारी मिलेगी आपको कि कहाँ पर है. एक्चुअली मैं एक चाहती हूँ कि मैं एक हैप्पी सोल का चैनल शुरू करूँ इंटरनेट पर, क्योंकि इंटरनेट इज़ अ न्यू जनरेशन एंड इंटरनेट बेसिकली इज़ द फ्यूचर. एंड इंटरनेट के द्वारा हम ना तो सिर्फ जो बॉम्बे जयपुर यू नो दिल्ली बैंगलोर को रीच कर सकते हैं लेकिन पूरी दुनिया को तक पहुंच सकते हैं. और खुशियां जो है सिर्फ इंडिया में नहीं बांटना चाहते, दुनिया भर बांटना चाहते हैं. तो बिल्कुल, इनफैक्ट एक बहुत क्यूट कोट आया था व्हाट्सएप पे जिसमें लिखा था कि हमारा स्लोगन भारत में रह चुका है अब तक कि सेव द गर्ल चाइल्ड, लेकिन अब है सेव्ड बाय द गर्ल चाइल्ड. तो हमारी इज्जत बच गई, गर्ल चाइल्ड ने हमारी इज्जत बचाई हमारे देश की, इतनी रौनक लाई इतनी शान लाई है हमारे देश के लिए. तो आई रियली वॉन्ट टू थैंक देम बोथ कि इतनी मेहनत की उन्होंने, इतनी ट्रेनिंग की उन्होंने, इतनी लगाव से ऑब्वियसली यू नो अपने मन तन सब कुछ लगाकर उन्होंने हमारी कंट्री को इतना प्राउड बनाया है. सो थैंक यू टू बोथ ऑफ यू. कैमरा पर्सन के साथ किशन बॉलीवुड अड्डा.